आज के वीडियोस पे हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कितने डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। ओके, और ये ऑब्जेक्ट्स जो लिस्ट है वो कम और ज़्यादा हो सकती है एज पर दी चूज चूज्ड डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर जो ना मैं सीक्वल सर्वर को लेकर के चल रहे हैं, राइट। मतलब कि हम जो ना जितने भी एग्जाम्पल हैं और जो जो भी प्रैक्टिकल हैं हम सीक्वल सर्वर के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ना सीक्वल सर्वर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर मैंने जो है ना ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिस्ट लिस्ट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है डेटाबेस में वो आता है टेबल। ओके, तो टेबल तो सबको पता है, ठीक है, कि टेबल किस लिए यूज होती है। ओके, हम इस पे और ज़्यादा डिस्कस करते हैं मीन्स डिफिनीशन वाइज। ओके, और सेकंड हमारा होता है इंडेक्स, व्यू, प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर एंड फंक्शन। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि टेबल क्या होती है, मतलब टेबल ऑब्जेक्ट है, राइट। तो टेबल ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग? मतलब मतलब अभी तक मतलब हमने मतलब जो भी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हम लोग फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे डेटाबेस तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने टेबल ही क्रिएट की थी, राइट। तो टेबल पे हमने DDL कमांड्स यूज की थी, DML यूज की थी, DCL, TCL, राइट। तो ये जितने भी कमांड्स हैं हम जो ना टेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूट की थी, राइट। तो अभी तक जो है ना तुम क्या अंडरस्टैंड कर पाए अबाउट द टेबल ऑब्जेक्ट? कि मतलब ये रो और कॉलम पर ये परफॉर्म होती है। तो तो अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें, राइट, तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल होती हैं, राइट। और जितनी भी टेबल्स हैं वो डेटा स्टोर करने के काम में यूज होते हैं, राइट। तो हम यूं कह सकते हैं कि टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ओके, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो ना इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिख रखी है, ठीक है, ताकि जो है ना हमें हम रिलेट कर पाए हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में। हम जो है ना ब्लेंडली कोई भी डेफिनेशन ना रटे, बिकॉज बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर हम कोई भी चीज रट करके जा रहे हैं ना तो वो हमें भूल जाएगी। ओके, तो हमें जो है ना एक लेमन लाइन याद रखनी है कि टेबल क्या होता है। टेबल इज अ ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। क्योंकि क्योंकि कोई भी टेबल पे हमारी रोज होते हैं, ठीक है, और हमारे कॉलम्स होते हैं, राइट। गॉट इट? हम किसी भी यदि हाँ टेबल का गॉट इट। एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज ये मेरी टेबल है, राइट, डिपार्टमेंट, और अगर मैं इसको फेच कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ, तो मुझे जो ये रिकॉर्ड मिल रहा है, मेरे पास में भी जो है ना 3 कॉलम है और 8 रोज है, ठीक है। तो हमारा टेबल टेबल पे जो ना डेटा है वो रो और कॉलम में स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ना कि मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टेबल है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, जो है हमारा इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स क्या होता है?
मतलब डेटा को इजीली फेच करने के लिए इंडेक्स यूज करते हैं। सो इंडेक्स इज ऑल्सो अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज यूज टू फेच रिकॉर्ड इन अ इफिशियंट वे, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट सपोज मेरे पास में एक बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है, और उस टेबल पे मेरे 10 लाख रिकॉर्ड है, ओके। और मैं इसको जो ना रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ, मैं इस पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम द एम्प्लॉय, ओके। तो ये जो है टेबल रिकॉर्ड को फेच करने में 10 मिनट ले रही है, ओके। 10 मिनट्स इसको लगते हैं ना हमें जो ना 10 लाख रिकॉर्ड फेच करने में, ठीक है। और इन 10 लाख रिकॉर्ड में हमारे 3 लाख रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, जो मतलब कि जो 3 लाख रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट है, ओके। तो इसकी वजह से इसको 10 मिनट लग रहे हैं, बट जो इसके एग्जैक्ट जो हमारे एक्चुअल जो हमारे रिकॉर्ड है वो हमारे कितने हैं, 7 लाख है, राइट। सो यदि हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं टेबल में, ठीक है, तो इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स जितने भी ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं वो उनको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और जो भी हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड होंगे, मतलब कि 7 लाख रिकॉर्ड है, उनको फेच करेगा। तो जो हमारा 10 मिनट लग रहा था, अब हमारा वो जो ना 5 मिनट पे ही डेटा फेच हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ इंडेक्स, ओके। फिर जो है हम आगे जब इंडेक्स के बारे में मतलब ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, तो इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है। तो हम इनको जो ना डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब जब भी हम जो ना इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। हमारे आने वाले वीडियोस पे हमने अभी तक जो ना टेबल्स पे पूरा प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है, टेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने पूरे प्रैक्टिकल कर लिए हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो ना प्रैक्टिकली हमने प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लिया है, ये कह सकते हो, ठीक है। हमारा जो टेबल वाला जो ऑब्जेक्ट है प्रैक्टिकली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, और उसके पूरे जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं हमने, तो वो वीडियोस पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ओके। सो अब हम जब स्टार्ट करेंगे इंडेक्स, व्यू, प्रोसीजर, ट्रिगर, फंक्शन, तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एक प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाएंगे, जहां पर जो ना पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियो कवर करेंगे और उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ओके। तो ये इंडेक्स समझ में आए, तो यदि हम जो ना इसकी इंडेक्स की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो इस पे क्या है कि इंडेक्स इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इंप्रूव द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन ऑन अ टेबल, राइट। तो इसका जो ना जो मीनिंग है वो तो तुम्हें अंडरस्टैंड हो गया होगा जिस जब हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, राइट, कि जो ना जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं उनको एलिमिनेट कर देता है और हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड पर डेटा रिट्रीव करता है, इसकी वजह से ये फास्टर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जिसका नाम है व्यू, ओके। सो व्यू किस लिए यूज होता है? व्यू हमारा मतलब जैसे हमारा कुछ सेपरेट डेटा है जिसको हम हाइड करना चाहते हैं, अननेसेसरी डेटा है, तो वो उसको हाइड कर देता है और जो दिखाना चाहते हैं वो डेटा आता है।
नेसेसरी डेटा पर दिखाता है, अननेसेसरी डेटा हाइड कर देता है। राइट. सो व्यू इज ऑल्सो अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज बिल्ट ऑन द टेबल. ओके एंड इट इज रिस्ट्रिक्ट योर सेंसिटिव डेटा टू एक्सेस. ठीक है. तो लेट सपोज मेरे पास में एम्प्लॉय टेबल है. ओके यहां पर मेरे पास में कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि ये नेम हो गया, ठीक है, और ये आईडी हो गया, यहाँ पर हो गया इसका सैलरी, ठीक है, यहाँ पर हो गया पैन नंबर, और यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है इसका हो गया आधार नंबर, राइट. तो ये जो सैलरी पैन और आधार, ये जो एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन, ये सेंसिटिव है, राइट. तो अगर हम जो है ना एम्प्लॉय टेबल का एक्सेस किसी ऐसे डिपार्ट को दें जो इस सेंसिटिव डेटा का मिसयूज कर सकता है, ठीक है, जिससे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि उसको हैजर्ड होगा, मतलब कि घाटा होगा, बिल्कुल लॉस हो सकता है उसको, राइट. तो इसी लॉस को रोकने के लिए, थ्रेटेंड को रोकने के लिए हम जो ना व्यू ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है. तो अब हम जब व्यू बनाएंगे, जब अगर हमने व्यू डिफाइन किया टेबल पे, लेट सपोज मैंने बना दिया यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर ईएमपी, राइट, ये मेरा व्यू का व्यू नेम है. ओके क्रिएट व्यू, व्यू नेम सेलेक्ट, अब आएगा सेलेक्ट कॉलम. तो अब मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर मैंने दिया आईडी, यहाँ पर दिया मैंने नेम, और यहाँ पर दिया मैंने एड्रेस, राइट. तो मैंने ये जो तीन सेंसिटिव कॉलम से उनको जो है ना हाइड कर दिया, राइट. आफ्टर डिफाइनिंग व्यू, ओके, सो व्यू ऑब्जेक्ट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट योर सेंसिटिव डेटा टू एक्सेस बाय यूजर, बाय क्लाइंट, और वाया आउटसाइड. ओके सो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ व्यू. तो हमको जो है ना डेफिनेशन रटने से अच्छा है कि हम जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें. तो मैंने एक जो है ना एक यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मतलब कि दिखा रहा हूँ, और इसको जो है ना मैं यूट्यूब यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रख दूंगा, ताकि जो है ना आप वहाँ से रिफर कर सकते हो, ठीक है. तो इस पे अगर देखोगे तो इस पे लिखा हुआ कि व्यू इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम क्लाइंट्स. अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी. व्यू कैन यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस सेंसिटिव डेटा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय प्री कंप्यूटिंग सेंसिटिव ज्वाइंस एग्रीगेशन. तो व्यू के जो है ना बहुत सारे यूज हैं, ठीक है. और रिस्ट्रिक्ट डेटा के साथ साथ में जो ना इसको हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने के में भी यूज करते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है. तो इसके बहुत सारे यूज हैं. तो जब हम प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे व्यू, उस टाइम पर हम पूरा जो ना अंडरस्टैंड करेंगे प्रैक्टिकली उसको, ठीक है, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं. फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर. ओके सो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? सो स्टोर स्टोर प्रोसीजर भी प्रोसीजर, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास की तरह काम करता है, कोड को यूज करते हैं। हाँ राइट. सो स्टोर प्रोसीजर इज आल्सो अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू
मीन्स इफ यू हैव अ डेटा, मीन्स नहीं सर, इफ यू हैव अ डेटा इन टेबल एंड इफ यू वांट टू रिट्रीव विद लॉट ऑफ लॉजिक्स राइट, तो क्या होगा जब यदि तुम्हें बार बार उस क्वेरी को मतलब उस पार्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना है तो तुम्हें पूरा लॉजिक बार बार लिखना पड़ेगा राइट। तो स्टोर प्रोसीजर का जो बेस्ट यूज है डेटाबेस के अंदर वो ये है कि राइट वंस यूज मैनी टाइम्स और रीड मैनी टाइम्स। ओके, राइट वंस यूज मैनी टाइम्स मीन्स की जो रीयूजेबल कोड है उसको हम एक बार प्रोसीजर के अंदर लिख देंगे यदि, तो हमें उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर इज एक्ट सिमिलरली लाइक एनी अदर क्लास। हम क्लास में क्या करते हैं, अपना पूरा लॉजिक लिखते हैं राइट, फिर हम उसको जो ना बाई क्लास इंस्टेंस, इंस्टेंस नेम हम उसको कॉल करते रहते हैं, सेम फंक्शनलिटी सेम फीचर राइट। तो सिमिलरली स्टोर प्रोसीजर काम करता है इन अ डेटाबेस, एनी डेटाबेस। ओके, तो मैंने इसका जो ना डिफिनेशन यदि तुम्हें रेफर करना है तो यहाँ पर मैंने जो डिफिनेशन भी इसकी लिख रखी है, स्टोर प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूट ऑन डेटाबेस सर्वर, दे कैन बी यूज्ड टू इनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स लॉजिक और ऑटोमेट कॉमन टास्क राइट, यानी वंस वंस रीड एंड यूज मैनी टाइम्स, यूज मैनी टाइम्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे जिसका नाम है ट्रिगर राइट। तो ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर इज ऑल्सो अ ट्रिगर डेटाबेस मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जो ये एक इंफॉर्मेशन दे देता है, मतलब ये जैसे हम कोई डिलीट करता है या अपडेट करता है या डीएमएल और डीडीएल का मतलब कोई परफॉर्म करता है, तो ये एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस पे ये क्वेरी परफॉर्म की। तो जो हमारा ट्रिगर है, ट्रिगर इज यूज टू डू सम ट्रिगर इन ए स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, तो ये जो ना एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, और हम ये भी कहते हैं कि स्टोर प्रोसीजर जो मीन्स सॉरी जो ट्रिगर है हमारा, ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर इन अ डेटाबेस व्हिच इज यूज टू ट्रिगर इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास में जो ना टेबल है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास में ये कोई टेबल है प्रोडक्शन के अंदर। ओके, और कोई आया और इसको जो ना दो रिकॉर्ड डिलीट कर दे राइट, तो हमें जो ना पता नहीं चलेगा। ओके, बट यदि हमने ट्रिगर डिफाइन कर रखा है इस टेबल पे, तो हमें कुछ अलर्ट मिलेगा या हम जो ना एनी स्पेसिफिक कंडीशन पे उस रिलेटेड रिकॉर्ड को किसी दूसरी टेबल पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया डिलीट के टाइम पर। सिमिलरली यदि कोई अपडेट कर रहा है तो हम उसका स्पेसिफिक चेंज है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी ने इंसर्ट किया है तो उस टाइम पर भी हम उसको जो है ना ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर। तो ट्रिगर को जब हम डीपली जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उस पे ट्रिगर के कुछ टाइप्स आ जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगर इज देयर इन द डेटाबेस राइट। तो हमारे डीडीएल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन पे भी ट्रिगर काम करता है, और जो हमारे डीएमएल होते हैं उन पे भी काम करता है। ठीक है, तो हम इनको जो ना डिग करेंगे अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियोस पे। ओके, ओके।
फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, फाइनली फंक्शन। सो फंक्शन क्या होता है? ओके फंक्शन तो फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है जो कोड पर यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें भी पैरामीटर्स होते हैं और इसके अंदर भी अपना कोड लिख सकते हैं जो बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन इज आल्सो अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड वी कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ओके, एंड व्हिच विल बी एग्जीक्यूट व्हेन वी विल कॉल विद द पैरामीटर। क्योंकि फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हमें पैरामीटर भी पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो स्टोर प्रोसीजर है और फंक्शन है, ठीक है, तो इनका जो वर्किंग है डेटाबेस के अंदर वो बहुत ही सिमिलर है। ओके, तो जिसकी वजह से जो इंटरव्यूज है, इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, तो पर ये स्टोर प्रोसीजर बिल्ट इन फंक्शन रखता है और ये फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन ही नहीं। आवाज नहीं आ रही यार। मैं कह रहा हूँ कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर तो बिल्ट इन फंक्शन होते होंगे ना, होते हैं, और इसके फंक्शन के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन होता ही नहीं। मतलब इस फंक्शन को तो हम स्वयं ही लिखते हैं। ये आ रही है प्रोसीजर, आवाज? हाँ, मतलब कि देखो, फंक्शन स्टोर प्रोसीजर रीयूजबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, पर जब हम जो ना, जब हम फंक्शन पे जाते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, राइट, तो फंक्शन जो है ना डेटाबेस के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम फंक्शंस और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो हमारे सिस्टम फंक्शंस हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है, तो और जो जो हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ये हमारा है ना, यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूजर ही उस फंक्शन को क्रिएट करता है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर और फिर फंक्शन की बॉडी। ओके, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, और अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है कि मतलब कि ये विदाउट पैरामीटर भी रन हो जाता है, पैरामीटर है तब भी रन हो जाएगा, यदि नहीं है फिर भी रन हो जाएगा, बट इन केस ऑफ फंक्शन वी विल ऑलवेज पास पैरामीटर, अदरवाइज इट विल बी नॉट एग्जीक्यूट। ओके, इनसाइड दी स्टोर प्रोसीजर वी कैन कॉल फंक्शन। ओके, हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो है ना फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट हम चाहें कि स्टोर प्रोसीजर को फंक्शन के अंदर के कॉल करें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का जो यूज है, फंक्शन का यूज वहां पर किया जाता है जब हमारे पास में कोई स्मॉल लॉजिक हो लिखने के लिए, ठीक है, वहां पर हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स लॉजिक है रिटेन करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम स्टोर प्रोसीजर करते हैं। स्टोर प्रोसीजर इज मोर फ्लेक्सिबल देन फंक्शन। ओके, तो ये ओके कुछ ओके ठीक डिफरेंसेस हैं, इनको जो है ना तुम गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अगेन इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, वन इज स्केलर फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन क्या
क्या होता है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस पे डिस्कस किया था, राइट, कि स्केलर फंक्शंस जो होते हैं वो सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, राइट, और जो हमारे टेबल वैल्यूड फंक्शन है वो हमारा जो ना टेबल के फॉर्म पे मीन्स डेटा रिटर्न करता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है दोनों पे। ओके, तो ये थे हमारे पूरे ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज यूज्ड इनसाइड द एसक्यूएल सर्वर। ओके, अब हम जो है ना इसका प्रैक्टिकल मतलब कि टेबल तो हम ऑलरेडी टेबल के ऊपर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो प्रैक्टिस पार्ट है, इंडेक्स पे, व्यू पे, प्रोसीजर पे, ट्रिगर पे और फंक्शन पे। तो मैं जो है ना ईच ऑब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और हम वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ कह रहे थे सौरभ तुम? नहीं, ओके, ठीक है, तो हम आज का जो है ना वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का इंटेंशन था कि जो है ना मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक वीडियो पे रखूं और उनका ओवरव्यू पहले मतलब हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद में ही हम जो है ना प्रैक्टिकल कर पाएंगे, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इज इट नॉट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। ओके, सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो सेपरेट। ओके, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।